जय माँ भारती, भारत माता की जय। आप सभी देशवासियों को मेरा सादर प्रणाम। इस कोरोना महामारी से आप सभी के संकट दूर हो, आप सभी के कष्ट दूर हो, यही ईश्वर से कामना करता हूँ। आप सभी घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करें। मित्रों, आज का हमारा विषय है चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार। तो आइए हम इस पर परिचर्चा करते हैं। आज पूरे विश्व में कोरोना महामारी चल रही है, ये तो लगभग सभी लोगों को मालूम है, इससे कोई अछूता नहीं रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका इटली में हाहाकार मच गया है, अपना भारत भी वही सिस्टम वही तरीके पे जा रहा है, उसी दर्जे पे जा रहा है। अपने भारत में करीब 3 लाख के करीब केसेस हो चुके हैं, चाइना में टोटल 83,000 केसेस हुए और एक महीने से वहाँ पे एक भी केस आगे नहीं बढ़ा है। जबकि अपने इंडिया के अकेले महाराष्ट्र में 83,000 से प्लस केसेस हो चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं दोस्त कि अकेले चाइना 83,000 से प्लस उसका केस नहीं है, उसके अंदर क्या साजिश है। वो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि वो अपने दुश्मन राष्ट्रों, अपने दुश्मन देशों से डायरेक्ट नहीं भिड़ सकता है, तो ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रहा है। वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट, फेस टू फेस नहीं लड़ सकता है, क्योंकि इससे उसके बिजनेस का मार्केट ख़राब होगा और दूसरी तरफ उसके जनता के प्रति उसकी छवि खराब होगी। इसके लिए वो ऐसे छुआछूत जैसे रोगों को अंजाम देकर अपनी दुश्मनी को अंदर ही अंदर पूरा कर रहा है। तो अब हम लोगों को ये सोचना है कि हमें इस महामारी से कैसे बचना है। तो जो अपने रूल्स हैं उसको फॉलो करके आप तो बच ही रहे हैं, लेकिन इस पे परिचर्चा करते हैं कि चाइना ने और क्या साजिश किया है। चाइना की सबसे बड़ी साजिश ये है कि इस महामारी में अपने मास्क सैनिटाइज़र बेच के बिजनेस पे नंबर वन आना चाहता है और इसकी वैक्सीन बनाकर हो सकता है विश्व को बेचे, और ये चाहता है कि पूरा विश्व उसके अंदर उसके साथ उसके नीचे झुके और वो विश्व में नंबर वन पर आए। लेकिन ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त, क्योंकि बोला जाता है कि भगवान सबके साथ हैं। लेकिन इनके लिए आचार्य चाणक्य का एक श्लोक बोला जा सकता है, मैं बोल रहा हूँ, आचार्य चाणक्य ने बोला था, प्रतिकृतिम कुर्यात् हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टे दोषम समाचरेत। अर्थात सज्जन व्यक्ति जो आपके साथ सज्जनता का प्रतीक करता है, सज्जन जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, और हिंसक के साथ हिंसक जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि चीन की करतूतें। चीन अभी भारत के लद्दाख क्षेत्र में नुब्रा घाटी पर दिन प्रतिदिन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर घुसता चला आ रहा है। इसके जवाबी में हमारी भारतीय सेना वहाँ दे रही है। लेकिन आप सभी भारतवासियों से मेरी अपील है कि आप केवल सेना के भरोसे ना रहें, केवल सेना को उनके दायित्व ना दें, हमारा भी कुछ दायित्व है। इसलिए आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि बुलेट की पावर से भी ज़्यादा इस बार वॉलेट की पावर को दिखाना आवश्यक है, क्योंकि वॉलेट की पावर बुलेट की पावर से कहीं ज़्यादा होगी। चाइना में 140 करोड़ लोग हैं जो कि बंधुआ मजदूर की तरह चीनी रूढ़ी शासन के अंदर रह रहे हैं, उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, वो चीनी सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना चाहते हैं। आज चाइना में कोरोना के बाद 20% बेरोजगारी आ गई है, जिससे लोगों के अंदर और ज़्यादा चीनी सरकार के प्रति रोष है। अगर हम इसमें उनकी इकोनॉमी, उनके बिजनेस को अगर ख़राब करें, मतलब चीनी सामान का बहिष्कार करें, तो ना सिर्फ उनकी इकोनॉमी डैमेज होगी बल्कि पूरा विश्व जो अभी रोष में भरा है, तो पूरा विश्व हमारे साथ आएगा और चीन के प्रोडक्ट का बहिष्कार होगा, जिससे उसकी इकोनॉमी गिरेगी और वहाँ के जनता के प्रति रोष जागृत होगा, और वहाँ वो लोग हमसे बात करने के लिए और शांति के प्रस्ताव के लिए राजी हो जाएंगे। चीन ना सिर्फ भारत को बल्कि दक्षिण चीन सागर में वियतनाम, हांगकांग और ताइवान को भी परेशान कर रहा है। ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इससे उसकी छवि उसके जनता के नज़रों में ख़राब ना हो। मालूम है 1962 का युद्ध जो भारत के साथ उसने लड़ा था, वो 4 साल की भुखमरी को छुपाने के लिए ही उसने लड़ा था। तो मेरे दोस्त, अब आपको सोचना है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, अपने देश का पैसा अपने ही देश में ही रहेगा। पर ईयर हम चाइना को 5.2 लाख करोड़ रुपया इम्पोर्ट करते हैं चाइना से, और उसको 1.2 लाख एक्सपोर्ट करते हैं। टोटल डेफिसिट 4 लाख करोड़ का है। अब समझ सकते हैं आप, इतना पैसा अगर हमारे देश में रहेगा तो बेरोजगारी कहाँ रहेगी हमारे देश में, ना कोई गरीब रहेगा, बहुत सारे रीजन्स होंगे, बहुत सारे लोगों का विकास होगा, हमारा भारत विकसित
होने के कगार पे आ जाएगा, जो कि अभी विकासशील है। और ये हमारी सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि भारत के द्वारा विश्व व्यापार संगठन से कुछ समझौता हुआ है, जिसमें विदेशी नीति द्वारा अपनाई गई है कि हम किसी भी देश के व्यापार के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमको सबको फॉलो करना पड़ेगा, सबको ये करना पड़ेगा, क्योंकि वही बेस्ट रहेगा। लेकिन हम कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर इज़ द किंग बिकॉज योर चॉइस। आपकी अगर आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। कोई दुकानदार अगर प्रोडक्ट बेचता है, कोई चीज़ अगर आपको पसंद ना आए, तो कोई दुकानदार आपको ये नहीं बोल सकता कि आप उसका प्रोडक्ट खरीदे ही। अगर हम सभी मिल के ये प्रण लें कि हम चाइना प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे, तो शायद हमारी इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी और उसको जवाब भी मिलेगा। अब आगे बात करते हैं, चाइना में 6,000 मंदिरों को तोड़ा जा चुका है, 60 लाख में से 12 लाख बुद्धिस्टों को मारा जा चुका है, 1,000 मस्जिदों को तोड़ा जा चुका है, कितने सारे 10 लाख से ज़्यादा मुसलमान भाई वहाँ पे बंद हैं, कितने सारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन है वहाँ के लोगों में। अगर हम सभी मिल के अगर करेंगे अपने इकोनॉमी को ठीक करने का प्रयास, तो कहीं ना कहीं ये सही होगा। एक लाइन कहना चाहूँगा, कौन नहीं जानता हिंदुस्तान की ताकत को, कौन नहीं जानता हिंदुस्तान की ताकत को, बस हमने खुद को कमज़ोर बना रखा है। एक बार हौसला करके तो देख मेरे दोस्त, इस हौसलों ने कितनों की वाट लगा रखा है। अब आते हैं, आगे बात करते हैं कि अगर हम चाइना का प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हम चाइना को अपनी गोली स्पॉन्सर करते हैं। बोलना चाहूँगा, चाहे हिंदुओं की दिवाली हो, चाहे मुसलमानों का ईद हो, चाहे सिखों का गुरुपर्व हो, चाहे क्रिश्चन के क्रिसमस हो, हम जितने भी सजावटी सामान या जो भी हम सभी धार्मिक स्थित संस्कृतियों के उपलक्ष्य में जो भी सजावटी सामान अगर लगाते हैं, उसके लिए अगर हम अपने देश के लिए अगर प्रोडक्ट लगाएंगे, तो वही बेस्ट रहेगा, क्योंकि उससे हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा। दूसरी चीज़, हम अगर उसके उसके देश का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसके देश के लिए मानो कि हम गोली स्पॉन्सर करते हैं अपने देश के लिए, क्योंकि वही गोली हमारी जनता हमारी सेना को लगती है। कारण ये बताऊँगा कि कुछ जैसे उदाहरण है, 26/11 का हमला हो, उड़ी हमला हो, अक्षरधाम पे हमला हो, तो कहीं ना कहीं इसके लिंक इससे जुड़े हुए हैं। कारण मित्रों कि यही पैसा चाइना इनडायरेक्टली रूप से आतंकी संगठनों और टेररिस्ट संगठनों को भेजता है, और वो अपने सेना को भी भेजता है। तो आपको सोचना है कि आपका पैसा आप ही के लिए युद्ध करने आता है, अगर वही पैसा आपके पास रहे, तो ना सिर्फ आपका देश मजबूत होगा, बल्कि हमारा भारत कहीं और रहेगा। कहने के लिए भाई, एक लाइन कहा जाता है जब कोई शहीद आता है तो, कि कितने माओं ने अपने लाडले खोए हैं, कितने बापों ने अपना बेटा खोया है, कितने माओं ने अपने लाडले खोए हैं, कितने बापों ने अपना बेटा खोया है, आज भी इस हाल में इस दौर में अपना हिंदुस्तान सोया है। अगर हम चाहें तो चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, एक और बात महत्वपूर्ण बात, हमारी भारतीय क्रिकेट टीम, इसकी स्पॉन्सर ओप्पो है, अभी वीवो के ब्रांड एम्बेसडर श्री आमिर खान जी हैं, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वीवो ओप्पो का प्रचार होता है। तो मैं आप लोगों से ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग ये करो, लेकिन सिर्फ गरीब आदमी ही नहीं, बड़े लोग को भी इसको छोड़ना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के मन में कि क्या हम चाइनीज़ प्रोडक्ट के बिना रह सकते हैं? क्यों नहीं रह सकते हैं, जब इस कोरोना महामारी में हमने बहुत सारी चीज़ों के साथ सेटलमेंट करना सीख लिया है, बहुत सारी चीज़ों के साथ बिना रहना सीख लिया है, तो हम इसके बिना भी रह सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको एक साथ एक ही दिन में छोड़ दीजिए, नहीं, इसको योजनाबद्ध तरीके से धीरे धीरे इसका बहिष्कार कीजिए, ताकि अगर हम 130 करोड़ भारतवासी और 3 करोड़ जो विदेशों में रहते हैं, अगर वो सभी मिलके हम लोग करेंगे, तो हमारी सरकार इसके विरुद्ध कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाएगी, और जो हम जिसका विरोध करेंगे, उस सामान के बदले में कुछ ना कुछ तो नया आएगा, तब तक कुछ सोचने का भी मौका मिलेगा। कुछ विदेशों के भी आएंगे, लेकिन विदेशों से आएंगे तो फिर भी इंडिया में इम्पोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट ही होगा, क्योंकि अगर हमारी सरकार इसके बारे में सोचे तो बेस्ट है। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के मेरी कर प्रार्थना है कि आप जितना हो चाइनीज प्रोडक्टों का, जो भी अनयूजेबल प्रोडक्ट है, वो तो आज से ही छोड़ दीजिए, जिसके बिना आप रह सकते हैं, जिसके बिना नहीं रह सकते, उसको योजनाबद्ध तरीके से धीरे धीरे 130 करोड़ भारतवासी और 3 करोड़ जो विदेशों में रहते हैं, सभी इस बात पर ध्यान दीजिए। लास्ट में एक ही लाइन कहना चाहूँगा, क्या पता मौत का पैगाम कब आ जाए, ज़िंदगी की आखिरी शाम कब आ जाए, यार ऐसे मौके की तलाश है कि मेरी भी जान मेरे हिंदुस्तान के काम आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।